प्रोग्राम में बताएंगे। आज का जो प्रोग्राम है हमारे लिए फेस स्पेशल है, क्योंकि जब कोई ऐसा गेस्ट आता है जो गवर्नमेंट के हवाले से या आवाम के लिए काम कर रहा हो, मुंतखब होकर वो अपने फराइज पूरे कर रहा हो, तो वो प्रोग्राम मेरे लिए स्पेशल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है मुनव्वर रमजान वो तो है ही, वो तो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि हम इस फॉर्मेट से हट नहीं सकते। लेकिन उसमें वो लोग ऐड हो जाते हैं जो इस मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दे रहे हैं और उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो जो मेरे साथ आज की जो शख्सियत है बहुत ही खूबसूरत इस हवाले से है कि एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और जिस तरह से वो फलाई काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो जहां जहां भी नजर आए, जो भी मैंने उनके काम को देखा फोकस किया, तो मुझे नजर आया कि वो पर्सनली अंदर से बहुत बहुत क्लियर इंसान है। और ऐसा इंसान अगर वो अल्लाह ना करे किसी की गवर्नमेंट है या नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि किसी की हुकूमत रहे ना रहे बुरी बात होती है, लेकिन जब जब भी वो होंगे तो जहां जहां होंगे लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं उनका तारुफ कुछ यूं कराना चाहूंगी कि रुकन कौमी असेंबली के साबिर हुसैन कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम सलाम। रमजान पहले तो बहुत बहुत मुबारक। सही, बिल्कुल। असल में आपकी तवसत से जो सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको रमजान की रहमतें और बरकत अल्लाह ताला उनको नवाजे उससे, और हम सब अपनी रहमतें नाजे। आमीन सुमामीन। आज बड़े सख्त सवाल भी होंगे और कोरोना के बारे में भी होंगे। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है ना। बिल्कुल तैयार। बस आज डबल प्रोग्राम है, आज आपको रफ्तारी भी मिलेगी और साथ साथ आपको सियासत भी मिलेगी। लेकिन मैं साथ साथ अपने उस भाई का तारुफ कराना चाहूंगी। कहते हैं जब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमें चाहिए वो लोग जो आप तक कलाम पेश करें, और जब वो कलाम पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं तो हमारे जो सेट का जो माहौल है बहुत खूबसूरत हो जाता है, और आकर पर जब दुरूद सलाम पेश किया जाता है और वो महफिल सजती है तो बरकत ही बरकत होती है। तो मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद अली नक्शबंदी। सही बोला मैंने भाई? जी बिल्कुल। मैंने कहा गलत ले लिया तो बहुत मारेंगे मुझे आप। कैसे भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जितनी प्यारी खूबसूरत माशाल्लाह आपने ट्रांसमिशन सजाई है, अल्लाह की पूरी टीम को सलामत रखे। आमीन सुमामीन। चले हम पहले शुरू करते हैं आज के वो दुखी रग कोरोना। पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं सर भाई, हम बहुत मुश्किल में है इस वक्त। हर बंदा अपने लिहाज से कोशिश कर रहा है, मतलब पर्सनली आप अपने लिहाज से करो, लेकिन आप इस वक्त अगर आप रुकन असेंबली है तो उसकी सूरत हाल क्या है, आप लोगों का इनपुट क्या है इस हवाले से? देखिए असल में जब ये वबा शुरू हुई तो आपको ये सुन के यकीनन